अस्सलाम वालेकुम, फिर से मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 16 के साथ। डेरिवेटिव्स की बात की थी हमने पिछले लेक्चर में, तो इसमें उनको मज़ीद डेवलप करेंगे इस आइडिया को, डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स के बारे में इनको देखेंगे कि व्हाट कैन वी डू विद देम, हाउ टू मैनिपुलेट देम, और फर्दर जो इनकी डिटेल्स हैं उनको डेवलप करेंगे इस वाले लेक्चर में हम। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि डेरिवेटिव यानी कि जो इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि इट्स द बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलस, यानी इट्स द एसेंस ऑफ कैलकुलस। तो बात ये थी कि मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको और कुछ समझ ना आए मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, और अगर आपको ये डेरिवेटिव समझ आ जाएँ तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। सवाब से मुराद मेरी ये थी कि आपके टीचर्स वगैरह काफ़ी खुश होंगे आपसे, आपकी ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट पॉजिटिवली योर ग्रेड्स एंड ओवरऑल, मैं भी बहुत खुश होऊंगा जाहिर है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इसमें मज़े की बात यह है कि कहने का मकसद ये है कि जो डेरिवेटिव्स थे इनकी, आई होप यू कैन सी दी देर इज़ अ सर्टन ब्यूटी टू दिस आइडिया। यानी मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट एग्जैक्टली अ ड्राई सब्जेक्ट, जिस तरह से हम आमतौर पर आम इस्तेलाह में कहते हैं, सुना होगा आपने, मैं बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ। तो इट्स आई डोंट थिंक इट इज़, यानी इसमें यह है कि अगर आप समझ के इसको पढ़ें तो इसमें आप देखते हैं कि इट्स अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट, यानी इसमें फिलोसफी होती है, बाद में इसकी फॉर्मलाइजेशन आती है, एंड दैट्स वाई इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की बातचीत करते हैं एंड देन इट गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फॉर्मल थिंग विच यू कैन अप्लाई। तो यानी दो चीज़ें आप इसमें डेवलप करते हैं, योर इंटेलेक्ट फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, और साथ ही साथ यानी ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती है, प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंसेस की तरफ, या अप्लाइड इंजीनियरिंग कह लें, या अप्लाइड मैथ कह लीजिए। तो दैट्स एक्चुअली अ थिंग ओनली कॉमन यू नो विच यू कैन फाइंड इन मैथमेटिक्स। मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, आई थिंक मैं पहले शायद कह चुका हूँ ये, कि ही वुड से कि उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा जब मैं अमेरिका में था कि भाई व्हाट शुड आई स्टडी, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने गया था, प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा नहीं था मैं, तो आई वॉज काइंड ऑफ हैविंग अ हार्ड टाइम डिसाइडिंग व्हाट टू स्टडी एज अ मेजर। तो उन्होंने ये कहा, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, से मैंने उनसे कहा कि व्हाट इफ बॉडी थिंक ऑफ यू नो द आइडिया ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स एज अ करियर, तो ही सेड गो फॉर इट, इट्स प्रॉब्ली द ओनली साइंस, ओनली सब्जेक्ट असाइड फ्रॉम फिजिक्स मे बी इवन, वेयर ओनली यू नो वेयर वेयर ट्रूली नोबल थाट्स अकर। तो ये नोबल थाट्स की बात जो होती है, he was an English professor, he appreciated the philosophy of mathematics, yani iske jo abhi humne maine aapse kehne ka kehna cha raha hu ki jo derivatives ki baat ki thi isme ek philosophy involved thi ki you started with the problem of finding you know finding a solution to a certain problem and you developed it from a philosophical point of view of you know what happens when lines turn tangent lines and stuff like that basically, to isme kafi ek tarah ki khoobsurat soch involved thi। to mathematics ye dry subject itna nahi hota, मे बी देर आर सर्टन थिंग्स विच लुक ड्राई सर्टनली, बट यू नीड दोज थिंग्स टू डिवेलप मोर ब्यूटिफुल थाट्स एंड मोर ब्यूटिफुल मैथमेटिक्स। मेरे बड़े भाई का कहना था जब मैंने कहा उनसे कि भाई मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं कि देख लो क्योंकि यू विल सी अ लॉट ऑफ ड्राई मैथ अलॉन्ग द वे, यानी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। देर आर सर्टन यू नो थिंग्स विच आर वेरी नाइस इन मैथ, बट टू गेट टू देम यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ड्राई स्टफ, बेसिक यू नो आइडियाज़ जो हमने भी देखे, रियल नंबर्स वगैरह, उनकी भी अपनी एक ब्यूटी है, बट आई थिंक देर आर सम थिंग्स दैट आर मोर इमीडिएटली यू कैन से कि दीज आर मोर ब्यूटिफुल इन मैथ, यू कैन सी देम मोर क्विकली देन अदर स्टफ। ओवरऑल आइडिया ये है कि मैथ इज़ ब्यूटिफुल, वी शुड स्टडी इट, इट डिवेलप्स द इंटेलेक्ट, डिवेलप्स द अप्लाइड साइड, एंड वी शुड ऑल बी हैप्पी विद दैट। तो दैट्स द सर्मन फॉर टुडे, और अब हम मैथ की बात शुरू करते हैं। तो अब यह है कि कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का, वी नीड टू डेवलप द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स फर्दर, इनकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस ऑफ सेवरल टाइप्स, यानी फंक्शंस होते हैं। अभी तक हमने देखा कि डेरिवेटिव को हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन से शुरू करके एक फंक्शन बनाया, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। उसके बाद इस फंक्शन की, अब चूंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये कहा था कि एक गिवन फंक्शन है उसके साथ एक डेरिवेटिव फंक्शन एसोसिएट किया। तो अब फंक्शंस की बात चूंकि हो रही है, तो बहुत से टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, कॉम्पोजिशन होती है फंक्शंस की, डिवीजन होती है, सम होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट, हाउ डू यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दीज सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इस लेक्चर में इसकी बात हम करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट मी पुट सम स्टफ ऑन द स्क्रीन, प्रीव्यू क्या है आज के लेक्चर का, लेट्स लुक एट दैट। आज की जी टॉपिक्स हैं टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली। इसमें यह है कि जो अभी तक हमने पिछले लेक्चर देखे उसमें हमने सबसे पहले तो डेरिवेटिव मालूम करना शुरू किया बाय डेफिनेशन। हमने एक डेफिनेशन दी थी डेरिवेटिव की, और उसको इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत से डेरिवेटिव्स मालूम किए।
इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कुछ थ्योरम्स डेवलप करेंगे विच विल गिव अस अ शॉर्टकट, बेसिकली एक शॉर्टकट मालूम होगा कि कैलकुलेशंस जो हैं वो शॉर्ट कैसे की जाएं फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस बेसिकली. यानी हम स्पेशल फंक्शन से शुरू करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करेंगे टूवर्ड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस. इसके अलावा आज हम देखेंगे द टेक्निक फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शंस. दीज आर फंक्शंस दैट आर डिफाइंड बाय नंबर्स. इसके अलावा वील फाइंड वील लुक एट डेरिवेटिव्स ऑफ पावर फंक्शंस. पावर फंक्शन वो होते हैं जिनमें आपके पास बेसिकली थिंग्स दैट लुक लाइक पॉलिनोमियल्स इन अ सेंस, सिंगल टर्म के जो होते हैं. वील सी व्हाट दैट मींस इन अ मिनट. और इसके अलावा हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन कैसे मालूम करते हैं. और इसके अलावा कुछ और बहुत सी चीज़ें भी होंगी जो मैं वी लुक एट देम एज वी गो अलॉन्ग. यानी बेसिक आइडिया सिर्फ ये है एंड और उसके बाद इसको हम फर्दर डेवलप करते हैं. लेट्स कंटिन्यू एंड स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव्स की, तो कॉन्स्टेंट फंक्शंस की बात कर रहे थे. हाउ डू यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शंस, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं. लेट मी पुट सम स्टफ डाउन ऑन द स्क्रीन. लेट्स गो टू द स्क्रीन. ये आपके सामने एक थ्योरम है जिसको मैं आई गेस आई कैन रीड इट. इट्स बेसिकली अबाउट कॉन्स्टेंट फंक्शंस कि इनका डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं. द थ्योरम सेज दैट इफ एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड लेट्स कॉल इट एफ ऑफ एक्स इक्वल सी. यानी बेसिकली इट्स अ फंक्शन दैट्स डिफाइंड बाय ए नंबर फॉर ऑल वेरिएबल वैल्यूज. यानी जो भी एक्स की वैल्यूज होती हैं बहुत सारी जितनी भी हों उनके लिए डिफाइंड है एक नंबर से. Then the derivative of this function f prime of x, जिसको अगर आपको याद हो हमने एक और नोटेशन में लिखा था d over dx of the function f of x, will equal to d over dx of the function f of x, which is defined as the number c. It's a constant, and they'll be defined as zero. तो ये आपका theorem हो गया. यानी मकसद इस theorem का कहने का सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास कोई function है constant function, मिसाल के तौर पे कह लीजिए f of x equals 5, ठीक है जी. यानी एक इसकी हमने यह फंक्शन हमने पहले भी देखे थे. इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट वाई इक्वल्स 5. यानी अगर आपका ये एक्स है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर आपकी 5 वैल्यू है वाई की, यू जस्ट ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट और वो आपका ये फंक्शन डिफाइन करेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 5. ठीक है जी. यहाँ पे हम इसको और जेनेरिकली लेना चाह रहे हैं. इस थ्योरम में हम कह रहे हैं कोई भी नंबर हो सी, इट कुड बी एनी नंबर सी, और उसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे the result will come out to be the number 0. Iska proof dekh lete hain. Of course we have to look at the proofs, so let's go to the screen and look at the proof. Proof is tarah se hai janab ke kaise aap proof karenge. Obviously derivative ki baat ho rahi hai, to proofs jab aam taur pe mathematics mein hote hain to hamesha definition se start kare. To I mean if all else fails, koi aur koi cute si technique agar aapko samajh nahi aa rahi proof karne ki, go to the definition, start with the definition and start proving things, which is exactly what we'll do. डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जी एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो होगा लिमिट एज एच गोस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. अगर आप ये होपफुली आपको अब तक याद हो गया होगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट एक्स. ठीक है जी. ये अगर हम और यहाँ पे याद है आपको कि लिमिट की जब डेरिवेटिव्स की बात हुई थी तो हमने ये भी कहा था कि द डेरिवेटिव एग्जिस्ट इफ द लिमिट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे हम लिमिट ये भी चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं. तो नोट कीजिए कि ये अगर आप इसको इस्तेमाल करें एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा. एफ ऑफ एक्स जो है वो सी है. इसमें जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आप एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दें उस एक्स को. तो यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स में एक्स प्लस एच डाल दें तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा. राइट हैंड साइड पे तो कोई एक्स है ही नहीं, तो लिहाजा कोई चेंज नहीं होगी कोई चीज़, और आपकी डेफिनेशन जो होगी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वो सी ही रहेगी. इट स्टिल बी सी क्योंकि उसमें कोई एक्स है ही नहीं. तो नथिंग चेंजेस, देर इज नो चेंज टेकिंग प्लेस. देयर फॉर ऑब्वियसली अगर आप देखें इट्स अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो देर इज नथिंग चेंजिंग, राइट. कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है. लिहाजा यू गेट सी फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच. फ्रॉम दैट यू सबट्रैक्ट द फंक्शन इटसेल्फ विच इज सी and divided by h, and you take the limit as h goes to 0. But if you notice, there is no need to take the limit because agar aap limit lenge sabse pehle to ye hai ki aapka denominator mein 0 aa jayega. Theek hai ji. So you don't want to do that. You don't want to replace h with 0. Instead, without taking the limit, notice that the top part involves a c minus c, which is obviously equal to 0. So without even taking the limit, notice that you're taking the limit as h goes to 0 of 0 over h, which is just the same thing as taking the limit as h goes to 0 of 0.
और जीरो भी जाहिर एक नंबर है और उसका आप लिमिट लेंगे एज एज गोज टू जीरो नथिंग चेंजेस एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी जीरो. तो जनाब ये आपका प्रूफ हो गया, वेरी सिंपल प्रूफ. इसमें कोई खास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा, कांस्टेंट फंक्शन था वेरी सिंपल सा. ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है प्रूफ की या इस थ्योरम की, वो ये है कि आप खुद ही सोचिए, मैंने जैसे तस्वीर बनाई थी एक तरह की कि एक्स और वाई एक्सिस अगर आपके पास है और कोई वाई एक्सिस पे आपकी कोई वैल्यू है सी यहाँ पे, तो आप जो कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल सी, वेल रिमेंबर फंक्शंस आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग द वाई वैल्यूज, राइट? सो इट्स बेसिकली अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द नंबर through the value of y which is equal to c, क्योंकि x की वैल्यू आप कोई भी डालेंगे उसकी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा y की वैल्यू में, लिहाजा यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाई इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसका स्लोप जीरो है, राइट? कोई राइज नहीं है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन, स्लोप इज जीरो. और अगर आपको याद हो कि डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है रियली, इट ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन होती है कि इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन of a given function. तो tangent line, straight line की हमने इसको पिछले lecture में बात की थी. Tangent line जो होती है एक straight line की, वो उसका slope जो होता है वो वही होता है जो line का होता है. तो line का slope zero है, लिहाजा tangent line का slope भी zero आएगा जाहिर है. And that is exactly what this proof says. This theorem says कि अगर आपके पास कोई constant function है उसका derivative zero आता है, और उसकी geometric interpretation भी आपको मैंने अभी बताई. इसको अगर आप draw करके भी देखें तो आई थिंक इट विल कन्विंस यू मोर, बट आई थिंक द आइडिया इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आगे चलते हैं. अच्छा जी, तो ये इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी देखी हमने, इंटरप्रिटेशन इसकी थ्योरम की, और इसको अब वो तो उससे आइडिया काफ़ी क्लियर हो गया. एक एलजेब्रिक एग्जांपल कर लेते हैं, ज़ाहिर है कुछ इक्वेशंस लिख के देखते हैं कि व्हाट डज इट ऑल मीन. यानी शॉर्टकट हमें पॉइंट सारा यही है कि हमने थ्योरम तो प्रूफ कर लिया एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए डेरिवेटिव की, अब इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम आइंदा कभी इसको प्रूव नहीं करेंगे. यानी मकसद ये इस थ्योरम का कि अगर मुझे आप कोई कांस्टेंट फंक्शन दें एफ ऑफ एक्स इक्वल सी, आई शुडंट हैव टू प्रूव इट ऑल ओवर अगेन यूजिंग द प्रूफ वी जस्ट सॉ कि भाई इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा. यानी अभी जस्ट वॉन्ट टू यूज द फैक्ट, थ्योरम प्रूव हो गया, वी आर डन, वी हैव सीन दैट इट्स प्रूवेबल, इट्स अ करेक्ट प्रूफ एंड वी शुड यू नो जस्ट वर्क विद इट. मेरे एक टीचर थे जब मैं था पोर्टलैंड स्टेट में अमेरिका में, ही यूज़ टू से, यानी वो थ्योरम लिखते थे कुछ प्रूफ करने के लिए बड़े ज़बरदस्त हैवी ड्यूटी किस्म के कोहोमोलॉजी होमोलॉजी थ्योरी के, तो हम बड़े परेशान होते कि भाई ये क्या हो गया मुसीबत. तो कह रहे थे कि परेशानी की बात नहीं है, बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स एक थ्योरम इसको देख लीजिए, दिस इज द ओनली टाइम यू विल सी इट इन योर लाइफ एंड देन यू आर कन्विंस के दिस इज ट्रू, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हैं, यू डोंट हैव टू प्रूव इट एवर अगेन. तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि अब हमने ये प्रूफ तो कर लिया, अब इसको हम कभी फिर से प्रूफ ना पसंद तो नहीं करेंगे करना, अनलेस वी आर टीचिंग दिस क्लास एक्चुअली, हम इसको सिर्फ यूज़ करेंगे. तो लेट्स यूज इट ऑन एन एग्जाम्पल. स्क्रीन पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ. एग्जाम्पल है जनाब, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स फाइव. तो अब इसका अब डेरिवेटिव क्या होगा, हमें एफ प्राइम एक्स मालूम करना है, ये जो एफ प्राइम एक्स होता है. तो ये क्या होगा, ये होगा एफ प्राइम एक्स इक्वल्स जीरो. ठीक है जी, यानी मकसद कहने का ये है कि आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, आई न्यू दिस इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन यूजिंग द थ्योरम विच वी जस्ट प्रूव्ड, I know that the derivative will be zero. That's it. End of story. ये हम इस तरह से facts develop करेंगे and we'll start using them and we'll get comfortable with them. लेकिन proof एक बार ज़रूर देखेंगे. आइए आगे चलते हैं. Power functions का derivative कैसे मालूम करते हैं, power function क्या होते हैं. Power function से मुराद मेरी ये है कि the function f of x equals x to the power n, where n is a positive integer. So let's write this down on the screen और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका derivative कैसे जल्दी से शॉर्टकट मेथड कैसे हो सकता है, कैसे मालूम कर सकते हैं. लेट्स लुक एट दैट. यहाँ पे ये थ्योरम है, इसको भी हम थ्योरम के तौर पे लिखेंगे. फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन एंड वील कॉल दिस थ्योरम द पावर रूल. लिहाजा अब हम कहते हैं कि ये मतलब थ्योरम क्या है. थ्योरम कहता है कि जी इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, विच इज बेसिकली सेइंग के बेसिकली यू वांट टू फाइंड योर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर एन. You're finding the prime function for that, the derivative function. That happens to be n times x to the power n minus 1. Achha, ye aapne likh diya. Iska proof kar lete hain. Let's look at it for just once in our lifetime. And then we'll just use this rule as a you know given thing. And we won't actually bother with proving it. Toh proof iska aise kuch proceed karega ke, achha, yahan pe thoda sa dil thamne wali baat hai. Ke proof thoda sa involved hai. Lehaza, let's be you know very careful ke isko kaise hum karenge. फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर एन, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर.
then the claim is that the derivative is n times x to the power n minus 1. That's fine. Let's prove that. D over dx of x to the n will be the same as f prime of x. That's what the definition is of d over dx. Yahan pe definition istemal karte hain. Limit as h goes to 0 of f of x plus h minus f of x divided by h. And that should equal to limit as h goes to 0 of x plus h to the power n minus x to the n divided by h. Yahan pe function tha x to the n. Lehaza maine jahan pe bhi x's the, wahan pe x plus h replace kar diya hai. So x to the n jo hai wo x plus h to the power n ban gaya hai. And from that I am subtracting x to the n divided by h. To ye to aapka statement aa gayi ke ji derivative aise aana chahiye. Ab maksad ye hai ki jo last term maine likhi thi x plus h to the power n minus x to the n divided by h in the limit, isko hum expand kaise karenge. Yani x plus h to the power 2 agar hota, ye humne pichle lecture mein dekha tha, x plus h to the power 2 jo hai वो तो बड़े आराम से एक्सपेंड हो जाता है, x square plus 2 x h plus h square, power 3 अगर हो तब भी बड़े आराम से हो जाती है, we can do something, n को कैसे करेंगे, हमें तो पता भी नहीं n क्या चीज़ है, तो यहाँ पे I hope you can recall something called the binomial theorem, it's a very important theorem, और वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, I hope you recall it, if you don't recall it, you can look it up, it should be in your book actually, somewhere in the appendix of your book. If it's not, then you can find it on the internet. Ya hum baat cheet kar sakte hain iske bare mein. We'll see it right now also. Let's go to the screen and finish this proof. To binomial theorem ko istemal karte hue x plus h to the power n ko main expand karna chahta hun. Jis tarah x plus h to the power 2 ko expand kiya tha, usi tarah se main isko expand karunga. To mere paas ye lambi chaudi si equation aati hai, f prime x equals limit as h goes to 0 of the quantity x to the power n plus n times x to the power n minus 1 times h plus n times n minus 1 divided by 2 factorial. Factorial kya cheez hoti hai? Iski bhi definition aap dekh sakte hain. You should already know this. 2 factorial ka matlab hai 2 times 1. Yani aur agar main kahun ke 5 factorial to mera kehne ka maksad hai 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Aur in general n factorial jo hota hai wo basically represent karta hai the product of all the numbers starting from n down to the number 1. So, ye ab yahan pe ek ye term aage iske saath multiply ho raha hai x to the power n minus 2 times h squared plus ab yahan pe dots dale mein iska matlab ye hai ke isi pattern ko use karte hue aap expand kar sakte hain. Ek term jo maine likhi nahi hai main bol deta hu wo ye hogi third term jo fourth term jo hogi is expansion ki wo hogi n times n minus 1 times n minus 2 divided by 3 factorial times x to the power n minus 3 times h to the power 3 plus aur uske baad dots aa jayenge. Maksad ye hai ki aap is pattern ko dekh sakte hain aur uske baad isi tarah se aap likhte jayenge terms. Aakhir mein jo terms aayengi, aakhir ki do jo hain wo hongi n times x times h to the power n minus 1 plus h to the power n. Ye quantity aapki expand ho gayi aur from this you're subtracting x to the power n, all of that divided by h. और लिमिट आप अभी भी इसका ले रहे हैं h as h goes to 0. अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें. इफ़ यू ड्रॉप द ब्रैकेट्स फ्रॉम योर एक्सपेंशन टर्म यू विल गेट बेसिकली आपका ये होगा कि जो पहला x टू द n था और जो लास्ट माइनस x टू द n है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये टर्म लिखी हुई आ जाएगी जो मैं पढ़ूंगा नहीं. इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. मकसद ये है कि इसमें से अब हमें किसी तरह से लिमिट लेना है. ये अब आप अभी तक मेरे ख्याल से आप ये देख चुके होंगे कि h जो बॉटम में होता है in the denominator, that is something you need to cancel when you take the limit. One problem ye hoti hai ki bottom mein zero aa jata hai, which is not something you want to happen. To yahan pe ab hame kisi tarah se h ko cancel karna hai, the one that's at the bottom. The only way you can do that is to factor an h from the numerator. Ye jo top term hai usme se factor kar lijiye aur phir denominator ke h se cancel kar dein. To jab ye aap karenge to result aayega limit as h goes to zero of that term. ये आप देख लीजिए आपके सामने है. इसमें नोट करें कि कोई डिनोमिनेटर में एच नहीं है और ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ एचेस हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये भी एक पोलोनोमियल टाइप की चीज़ लग रही है और वैसे भी ओवरऑल अगर इसमें एच की जगह जीरो आप डाल दें तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी. और अगर आप डालेंगे तो नोट करें कि पहली टर्म को छोड़ के, पहली टर्म जो थी वो थी एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन, उसके अलावा सारी टर्म्स में एच है और मल्टीप्लाई हो रहा है. लिहाजा व्हेन यू सब्स्टिट्यूट h equals 0, they all turn into zeros because something multiplied by 0 is 0.
and you're only left with the first term, and that basically tells you that f prime of x equals n times x to the power n minus 1. अच्छा जी, हो गया जी प्रूफ, बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ था, लेकिन वही मजे की बात यही होती है कि यू स्टार्ट विद समथिंग दैट लुक्स सो इंटिमिडेटिंग बट यू कैन हैंडल इट. मैथ इज अ मॉन्स्टर दैट यू कैन ऑलवेज हैंडल. कुछ मॉन्स्टर तो नहीं है, बट इफ यू थिंक इट्स अ मॉन्स्टर, इट्स समथिंग दैट यू कैन मैनेज. ठीक है जी, ये आपने प्रूफ कर लिया कि इसका फॉर्मूले जो x टू द पावर n, अगर आपका वो है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 होगा. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं एक फंक्शन. अगर आपको फंक्शन दिया है x टू द पावर 5, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है 5 टाइम्स x टू द पावर 4, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई शुड गेट यूजिंग द पावर रूल. अगर आपके पास जस्ट x फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव लें अगर आप d ओवर dx ऑफ x, तो आपके पास रिजल्ट आएगा. x का क्या मतलब है? x का मतलब है इसकी पावर 1 है. तो 1 टाइम्स x टू द पावर 1 माइनस 1 व्हिच इज 1 टाइम्स x टू द 0. कोई भी नंबर हो उसकी आप पावर 0 लें तो रिजल्ट 1 आता है. इट्स अ रूल ऑफ मैथमेटिक्स. यहाँ पे इसका मतलब है आपके पास आ गया 1 टाइम्स 1 व्हिच इज इक्वल टू 1. तो ये जनाब आपका हो गया पावर रूल. इट्स डन, प्रूफ हो गया. कभी बॉदर करने की जरूरत नहीं है अनलेस यू नहीं, खैर आई शुडंट से दैट. आई थिंक यू शुड ऑलवेज बॉदर विद द प्रूफ्स, लुक एट देम अगेन एंड अगेन. इसकी अप्रिशिएशन होती है, यू कैन अप्रिशिएट द आइडियाज बिहाइंड इट. लेकिन ये कि वी कैन फ्रीली यूज दिस पावर रूल नाउ फ्रॉम नाउ ऑन विदाउट प्रूविंग इट. अच्छा, अब इसके बाद और क्या है देखते हैं. आइए, लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन. एक और थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं. लेट सी बी अ कॉन्स्टेंट नंबर, यानी इट्स अ कॉन्स्टेंट सो इट्स अ नंबर, एंड एफ ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स. तो मकसद कहने का थ्योरम का ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन है देन द फंक्शन सी टाइम्स एफ इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स. यानी कहने का मकसद नोटेशन में है डी ओवर डी एक्स ऑफ सी टाइम्स एक्स, सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली मकसद ये है कि जो आपके पास कॉन्स्टेंट मल्टीपल अगर है किसी फंक्शन का और आप उस फंक्शन कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो आइडिया ये है कि जो कॉन्स्टेंट मल्टीपल था इसको आप डेरिवेटिव से बाहर ले जाइए, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड द रिजल्ट जो आता है आपके पास उसको उस कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. इसकी एग्जाम्पल देखेंगे बट फर्स्ट वी शुड प्रूफ दिस, सो लेट्स डू इट ऑन द स्क्रीन. प्रूफ आपका वही उसी तरीके से फॉलो करेगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. डेफिनेशन है जी के डी ओवर डी एक्स ऑफ सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच. सिंपल सी बात है कि जो सी है न्यूमरेटर में वो कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आता है लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स सी टाइम्स द क्वान्टिटी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच. अब अगर आपको याद है एक लिमिट रूल्स थे कुछ, उसमें ये था कि सी अगर आपके पास एक कांस्टेंट है आप उसका लिमिट ले रहे हैं तो सी कैन गो आउट आउटसाइड ऑफ द लिमिट बेसिकली. और वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी कैन कम आउटसाइड द लिमिट और लिमिट अंदर चला जाता है एंड यू टेकिंग द लिमिट ऑफ दैट क्वांटिटी. वेल नोटिस दैट दिस क्वांटिटी इज बेसिकली द सेम थिंग एज द डेरिवेटिव व्हेन यू टेक द लिमिट ऑफ दैट. तो ये रिजल्ट ऑब्वियस है कि सी टाइम्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ये आपका प्रूफ हो गया इस फंक्शन इस थ्योरम का. ये तीन वेरी बेसिक थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे चल के काफ़ी काम आएंगे हमारे. ठीक है जी, तो इनको प्रूफ देख लिए हमने, कीप देम इन माइंड. प्रूफ जब दिल चाहे हम किसी और भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज टू यूज दीज थ्योरम्स, जो इनके फॉर्मूले बताए गए हैं थ्योरम्स में उनको हम फ्रीली यूज करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, आगे चलने से पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस थ्योरम की जो अभी हमने देखा है. तो इसको स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ. छोटी सी यानी इक्वेशंस हैं, वी जस्ट वांट टू सी हाउ टू यूज देम. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन. अच्छा, ये एग्जाम्पल है जनाब, स्क्रीन पे मैंने लिखी है. फंक्शन है 3x टू द पावर 8. तो मुझे इसका डेरिवेटिव मालूम करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 8. यहाँ पे 3 जो है वो कॉन्स्टेंट मल्टीपल है, इसको मैं फैक्टर आउट कर लेता हूँ. 3 बाहर आ गया. डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द 8, ये एक पावर फंक्शन है, इसको हमें पता है कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. 3 बाहर ही रहेगा. एक्स टू द पावर 8 का डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा जनाब 8x टू द पावर 7, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. दिस रिजल्ट टर्न्स आउट टू बी 24x टू द पावर 7. अच्छा जी, तो ये एग्जांपल भी देख ली हमने. सो नाउ वी आर डन विद दैट थ्योरम. मजीद और आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो गेस व्हाट, मोर थ्योरम्स, राइट? सो लेट्स लुक एट देम.
अब जो थ्योरम हमें देखना है वो ये है कि व्हाट हैपेंस इफ यू हैव द सम ऑफ टू फंक्शंस। शुरू में याद है आपको मैंने कहा था कि हमने फंक्शंस की बात जब की थी और डेरिवेटिव्स अब हम मालूम कर रहे हैं फंक्शंस के और उनको भी डिफाइन कर रहे हैं फंक्शंस, तो ऑब्वियसली फंक्शंस तो हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यू नो थिंग्स लाइक दैट, इनके डेरिवेटिव्स कैसे मालूम करेंगे। सो इनके बारे में एक थ्योरम है, लेट्स लुक एट दैट थ्योरम और फिर आगे चलेंगे इसके बारे में और बात करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन की कैसे बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स। राइट नाउ लेट्स लुक एट द थ्योरम दैट टेल्स यू हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव या हाउ टू डिफरेंशिएट द सम ऑफ टू फंक्शंस। बेसिकली इफ यू हैव टू फंक्शंस एफ एंड जी एंड यू टेक द सम ऑफ देम एफ प्लस जी, हाउ डू यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस जी। सो लेट मी राइट इट डाउन ऑन द स्क्रीन। थ्योरम है जनाब, if f and g are differentiable functions at the point x, x could be any point, then so is the function f plus g. Okay, so that's good, it is, but what is it? How do you find the derivative or how do you differentiate f plus g? Uska tarika ye hai ki d over dx of f of x plus g of x is equal to d over dx of f of x plus d over dx of g of x. तो ये एक बड़ा सिंपल सा रूल अभी तक हम देख चुके हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू से शुरू हुआ था, दस दी यहाँ पे सम में तो एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर नहीं हुआ था एक्चुअली अप्लाई, लेकिन प्रोडक्ट में हुआ था। फिर कुछ और चीज़ें लिमिट्स में हमने देखा था कि अगर आपके पास सम ऑफ टू फंक्शंस है उसका लिमिट लेते हैं, इट्स इक्वल टू द लिमिट द सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव ऑब्वियसली इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स, राइट? यू कैन सी इट ऑलरेडी आई होप इंटुइटिवली कि डेरिवेटिव जो है वो लिमिट्स की टर्म्स में डिफाइन होता है। So it must be that the sum can be, derivative can be distributed over the sum of two functions. Iska proof dekh lete hain. Let's go to the screen. Proof janab iska aise proceed karega ke d over dx of f of x plus g of x aapko malum karna hai. To again main already keh chuka hu ke derivative is defined in terms of limits. So you're taking the limit as h goes to 0 of f of x plus h plus g of x plus h. Ye quantity ho gayi kyunki zahir hai wo replace karna hota hai aapko x plus h माइनस द क्वान्टिटी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व हैं, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ क्वान्टिटी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी ये माइनस एफ ऑफ एक्स कहाँ से आया? वेल याद कीजिए, नोट कीजिए कि जो ऊपर मैंने लिखा था जो लास्ट टर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इससे पहले एक माइनस साइन है। इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो इट gives me a minus f of x from there, which I have suggestively written next to f of x plus h. Uski wajah kya hai, wo abhi zahir ho jayegi. And then to that I add the term g of x plus h minus g of x. Ye minus g of x kahan se aaya? Ye bhi wahin se aaya jahan se minus f of x aaya tha. Aur ye sab kuch jo hai divide ho raha hai h se. Acha, ab chunke beech mein sum hai, to ye jo denominator mein h hai, isko main distribute kar sakta hu over the sum, right? H is the common denominator, so I can distribute it. And chunke aur main karunga to mere paas result aayega limit as h goes to 0 of f of x plus h minus f of x over h plus g of x plus h minus g of x over h. Yani is puri cheez ka main limit le raha hu, lekin aapko yaad hai limit is also distributable, and you can distribute it over the sum, right? So you get limit as h goes to 0 of f of x plus h minus f of x over h plus the limit as h goes to 0 of the second term. Lekin ye to definitions hain, obviously these are the definitions of the derivatives of these functions, respective functions. To lehaza main likh sakta hun d over dx of f of x plus d over dx of g of x. To ye iska proof ho gaya, hame ek rule aur mil gaya how to differentiate the sum of two functions. Aur aapne dekha proof kitna interesting tha, it was so straightforward. If you know the definitions, you can do anything basically, and that is what we are doing. तो ये एक और हमारे पास पावरफुल टेक्निक आ गई है ऑफ डिफरेंशिएटिंग और फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस। लेट्स मूव ऑन। तो मूव ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि सम का तो मैंने कर दिया, व्हाट अबाउट द डिफरेंस? व्हाट इफ आई हैड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट और हाउ डू यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट? तो सिंपल सी बात है, इन द सेम फैशन यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ। ये एक एक्सरसाइज के तौर पर आपको देते हैं टू फाइंड टू शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स is actually equal to the difference of the derivative of each function. It's the same way as you did for the plus one right now we just saw. ठीक है जी, एक ये हो गया. Let's move on. Move on करते हैं and let's do an example. ठीक है जी, तो of this theorem we just saw for the addition of functions. Let's go to the screen. यहाँ पे example है कि जी मैं चाहता हूँ derivative मालूम करना d over dx of x to the 4 plus x to the 3.
इसका थ्योरम इस्तेमाल करते हुए मैं देखता हूँ कि ऑब्वियसली दिस इज द सेम एज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द फोर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द थ्री. आई नो हाउ टू डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस, दीज आर गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट फोर एक्स टू द पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर. तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल थी, और इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है. इसको ये जो सम और डिफरेंस के जो फार्मूलाज हैं, वी कैन जनरलाइज दैम. यानी अगर मेरे पास पाँच छः फंक्शंस का सम होता, आई कुड हैव डन द सेम थिंग. यानी बेसिकली आइडिया ये है कि जो डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ईच सम. तो इसको मैं जनरल तौर पर अगर लिखूँ स्क्रीन पर, तो ऐसे लिखूंगा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस डॉट 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 ऑल द वे टू द फंक्शन एफ एन एक्स. यानी एन मैनी फंक्शन हैं, इनका डरेवेटिव जो है सम का, वो बेसिकली सम ऑफ द इंडिविजुअल डरेवेटिव हो जाएगा. डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स एंड सो फोर्थ फॉर द लास्ट वन ऑल्सो. तो जनाब ये आपका सम का रूल हो गया. अब जाहिर है प्रोडक्ट की बात भी आनी चाहिए. यानी जो सम का हमने देखा साहब, वही चीज़ अप्लाई होती है डिफरेंस पे भी. यानी डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस या डिफरेंस ऑफ एन फंक्शंस, तो वो आप खुद कर सकते हैं एज एन एक्सरसाइज. अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, इट्स नॉट दैट सिंपल. यानी दिल तो यही चाहेगा कहने का कि जी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स शुड बी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. Things are a little bit more complicated. This is called the product rule of differentiation, or of you know finding derivatives. So let me write it down for you on the screen. ये भी एक theorem की form में है. The theorem says that if f and g are differentiable functions, then so is the product f times g. Fine, that's good that we know that the product is differentiable. But what's the formula? The formula is that d over dx of f of x times g of x equals the function f of x multiplied by the derivative of g of x plus the function g of x multiplied by the derivative of the function f of x. अच्छा जी, ये तो स्टेटमेंट हो गई थ्योरम की, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. यानी सम में तो ये था कि सिंपल सी बात थी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं ओवर द सम, उसी तरह से डेरिवेटिव सम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. लेकिन प्रोडक्ट नहीं होता. प्रोडक्ट का एक अपना ही निराला सा एक तरह का कहते हैं वो है एटीट्यूड है, एक अंदाज है. तो वो उसको अब हम लिख तो दिया हमने इक्वेशन, इसको प्रूफ करना है. वी हैव टू सी हाउ व्हाई इट इज द वे इट इज. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड प्रूव इट. प्रूफ ये करना है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट फार्मूला वी जस्ट सॉ. तो इसको बाय डेफिनेशन करेंगे, जाहिर है इसमें डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है विच इन्वॉल्व्स लिमिट्स. तो d ओवर dx ऑफ f टाइम्स g जो होगा वो हो जाएगा लिमिट एज h गोज टू जीरो ऑफ f ऑफ x प्लस h टाइम्स g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x ओवर h. अच्छा, यहाँ पे वही बात है कि क्लेवर मैनिपुलेशंस करनी होती हैं. तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लेवर किस्म की मैनिपुलेशन होगी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में मेरे पास डेफिनेशन ने मुझे फॉर्म दी है, आई कॉन्ट डू एनीथिंग विद इट. बेसिकली आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग. तो नाउ आई एम गोइंग टू यू नो एक्ट लाइक अ प्रॉपर मैथमेटिशियन एंड आई विल मेक समथिंग हैपन. And we all like when that happens, obviously, that's why we are all such, you know, good magicians also, as mathematicians. If we add and subtract the term f of x plus h times g of x in the numerator, then we can do something with it. तो अब ये सवाल ये भी उठता है कि भाई ये term क्यों add और subtract की जा रही है. इसका जवाब ये है कि just, you know, look at it, continue with the proof and you'll see why we need to do this. Yani wohi problem yahi thi ki definition mein koi khas maza nahi aa raha tha. I couldn't do anything with it. So now if I add this term and subtract it from the numerator, I'll be able to do something. Note kijiye ki add or subtract karne ka matlab basically ye hai ki maine zero hi add kiya ek tarah se. Yani I have written zero in a very exotic way. Yani f of x plus h times g of x ko main subtract or add kar dun, so it's the same thing as zero. I haven't done anything. Lekin इस एग्जॉटिक तरीके से जीरो को लिखने से बहुत कुछ हो सकता है, रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा. तो उसको देखते हैं क्या होगा. जो टर्म थी अब वो जो लिमिट की टर्म थी हमारे पास, वो अब बन जाती है लिमिट एज एच गोज टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. अब इसकी नेक्स्ट लाइन में मैं क्लेवरली चीज़ें कलेक्ट करूंगा और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और उसका तरीका ये है कि जो टॉप जो फर्स्ट पार्ट है पिछली लाइन का, उसमें नोट कीजिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं कॉमन ले सकता हूं, और अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. ठीक है जी, कॉमन लिया और कुछ नहीं किया. प्लस जो सेकेंड टू टर्म्स हैं उनमें से मैं जी ऑफ एक्स कॉमन ले सकता हूँ.
तो मेरे पास रिजल्ट आता है जी ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, और ये सब कुछ मैं लिमिट ले रहा हूँ इसका, तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके पास आएगा लिमिट इज एच गोज टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, आप देख सकते हैं क्या हैं ये। और इसमें नोट कीजिए कि जो लिमिट एज एज गोज टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन उससे पहले ये देखें कि जो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स ओवर एच टर्म है, उसका लिमिट मैं ले रहा हूँ एज एज गोज टू जीरो, दैट इज द सेम थिंग एज डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और उसी तरह से जो लास्ट टर्म है, इट्स द सेम थिंग एज डी ओवर डी एस डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और अब ये जो बीच में टर्म्स रह गई लिमिट एज एज गोज टू जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें कोई एज है ही नहीं, जाहिर है इट गोज टू जस्ट जी ऑफ एक्स इटसेल्फ, तो जी ऑफ एक्स ही रिजल्ट आएगा इसका। और लिमिट एज एज गोज टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जाहिर है एक्स एच की जगह आप जीरो डाल दें तो इट्स जस्ट एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखिए कि नाउ वी कैन राइट डाउन व्हाट वी वांटेड टू, बेसिकली कि जो डेरिवेटिव है प्रोडक्ट का, इट्स बेसिकली द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, यानी सेकंड फंक्शन प्लस द सेकंड फंक्शन टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। इसमें कुछ मैनिपुलेशन थी, आपको मैं रिकमेंड करूंगा यू लुक एट देम अगेन एंड कन्विंस योरसेल्फ दैट दे डू वर्क आउट। एक चीज और है, यहाँ कहता चलूं कि इस रिजल्ट को हम प्राइम नोटेशन में भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट एफ टाइम्स जी प्राइम क्वांटिटी प्राइम एज एफ टाइम्स जी प्राइम प्लस जी टाइम्स एफ प्राइम। तो ये जो प्राइम वाली नोटेशन थी, दिस इज बेसिकली अ वे ऑफ यू नो मेमोराइजिंग दिस फॉर्मूला। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है व्हेन यू राइट इन टर्म्स ऑफ डीज डी ओवर डी एक्सेस, लेकिन ये कि प्राइम इज वेरी सिंपल, f times g prime plus g prime times f, यानी इट्स काइंड ऑफ एक तरह का पैटर्न भी है इसमें। तो ये आपका रूल हो गया प्रोडक्ट के लिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए, इट्स नॉट दैट सिंपल, इसको जहन में बिठा लीजिए कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है फंक्शंस का हार्ट, देन उसका डेरिवेटिव क्या होता है। सो वील कीप दिस इन माइंड, मेमोराइज दिस फॉर्मूला। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। अच्छा, आगे चलने से पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है जी। ये जो हमने थ्योरम अभी किया, इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई राइट इट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं 4x स्क्वायर और 3x, इनका प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो एक तरीका तो ये कि आप पहले प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसका डेरिवेटिव ले लें, लेकिन वो हम क्यों करें, वो तो आसान तरीका है, हमें ज़िंदगी मुश्किल करनी चाहिए। तो अगर हम ज़िंदगी मुश्किल करते हैं तो यह लेट्स से मुश्किल नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग करते हैं, तो उसमें फिर हम ये अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ किया वो इस्तेमाल करते हैं और देखें कि 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई दैट बाय द डेरिवेटिव ऑफ 3x, और उसकी नेक्स्ट टर्म होगी टू दैट यू ऐड 3x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर। रिजल्ट आपके सामने है 4x स्क्वायर टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ 3x व्हिच इज जस्ट 3, और 3x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर व्हिच इज 8x, तो ये रिजल्ट इवेंचुअली 36x स्क्वायर आ जाता है। अच्छा जी, एग्जांपल हो गई। एक और डेरिवेटिव की टेक्निक है, यानी अगर आपके पास फंक्शंस की डिवीजन है तो हाउ डू यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट। This is getting even more and more interesting now, क्योंकि अब ये जरा सा और complicated formula होगा। Let me write it down for you on the screen. ये भी एक theorem की form में है कि अगर f और g functions हैं, if we have functions f and g and they're both differentiable functions at the point x and g of x is not equal to zero, then the quotient of these two functions f over g is also differentiable and it's given by the formula d over dx of f of x over g of x equals g of x times the derivative of f of x minus f of x times the derivative of g of x divided by g of x quantity squared. अच्छा जी, इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा प्रूफ है इसका। मजे की बात यह कि इट्स ऑल डन बाय द डेफिनेशन, यानी जो अभी हमने प्रोडक्ट का प्रूफ किया था उसी तरह से ये भी प्रूव होगा। जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ derivatives, differentiability, और उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन शायद आपको करनी पड़े। आई लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, I'll do an example, और इसको हम प्राइम की फॉर्म में भी लिख देता हूँ ताकि याद करने में आसानी रहे। तो प्राइम की फॉर्म में क्या ये कहेगा थ्योरम? It says basically that f over g prime is equal to g times f prime minus f times g prime divided by g square. तो ये आपकी प्राइम नोटेशन आ गई इस थ्योरम की। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इन्वॉल्विंग दिस थ्योरम। लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन। यहाँ पे देखिए कि आप के फंक्शन हैं 3x डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर, यानी दो फंक्शंस हैं, दोनों का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, देयर बोथ डिफरेंशिएबल, और इनका आपको डेरिवेटिव लेना है इनके कोशेंट का। तो फॉर्मूले के हिसाब से
ये लिखा हुआ है. आई थिंक आई वोंट रीड दिस. ये आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन फॉलो इट. आई लीव इट ऑन द स्क्रीन फॉर अ फ्यू सेकंड्स. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ आल्सो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ताकि आप प्रॉपरली कन्विंस हो जाएं. अच्छा जी, ये एग्जांपल हो गई, इसको आप देख लीजिएगा, यू कैन डू इट. नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, इन्वॉल्विंग द रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शंस. हाउ डू यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन? सो लेट मी राइट दैट डाउन ऑल्सो. ये भी एक थ्योरम की फॉर्म में है, डेरिवेटिव ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन. इफ जी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द पॉइंट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वन ओवर जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ वन ओवर जी ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स क्वांटिटी स्क्वेयर्ड. अच्छा, इसका थ्योरम का ये प्रूफ मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप अभी आपने देखा कोशेंट रूल. मजे की बात ये है कि यू कैन प्रूफ दिस थ्योरम यूजिंग द कोशेंट रूल. सो आई लेट यू डू इट एज एन एक्सरसाइज. बड़ा सिंपल सा है. वन जो नंबर है यहाँ पे, वन ओवर जी ऑफ एक्स में, ट्रीट दैट एज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. और आप नोट की याद रखें कि कॉन्स्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव जीरो होते हैं. तो दिस इज एक्चुअली नॉट टू मच वर्क. बहुत सी चीज़ें जो होंगी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी. और अब हम इसको, सो आई लीव दिस टू यू, हम आगे चलते हैं. सो अच्छा, ये तो हमने कर लिया, ये जो आपका कोशेंट, सॉरी रेसिप्रोकल जो रूल था वो भी हमने देख लिया. अब इसको हम इस्तेमाल करते हुए अपना जो पावर रूल था हमारा, उसको जनरलाइज कर सकते हैं. हाउ डू वी डू दैट? लेट मी राइट समथिंग डाउन फॉर यू ऑन द स्क्रीन और उसके बारे में बात करते हैं फिर. Basically, the idea is that using the reciprocal rule, we can generalize the theorem we saw for from positive integers. यानी ये power rule की जो बात हो रही है कि उसके अंदर हमने कहा था कि it's applicable to only positive integers in the power. यानी n जो था वो positive integer था. अब हम इसको change कर लेते हैं to all integers. Basically, all से मतलब ये कि इसमें negative भी हो सकते हैं, positive भी हो सकते हैं. और उसको हम कैसे करेंगे? We'll do it using the reciprocal rule. तो as a theorem, I'll state this. If n is any integer, then d over dx of x to the power n is equal to n times x to the power n minus 1. And basically, it is exactly the same thing as we saw earlier. So, isko kaise prove karenge? Isko bhi, I will leave this as an exercise. Ye bhi prove ho sakta hai bade aaram se. Kyunki maine jo ki mention kiya hai ki I can generalize, I am writing this theorem down using the reciprocal rule. तो इसमें रेसिप्रोकल रूल के अंदर अगर आप सोचें कि हाउ एम आई डूइंग इट, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जब आप उसको वन ओवर समथिंग लिखते हैं, इट्स आल्सो समथिंग यू कैन आल्सो राइट देयर एज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट वन ओवर एक्स, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर माइनस वन. तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स इन्वॉल्व हो गए और वही आइडिया इधर भी इन्वॉल्व था इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस. सो अगेन, रेसिप्रोकल रूल इस्तेमाल करते हुए आई जनरलाइज्ड इट. आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू प्रूव इट आल्सो. तो ये आज हमारा आखिरी टॉपिक था, आखिरी चीज़ थी हमारी जो हमने बात की, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो टेक्निक्स थी हमने उसके बारे में. तो ये सब हो चुका है. अब इसके बारे में कोई सवालात हों तो वी कैन ऑलवेज टॉक ऑन ईमेल. लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो आज के लेक्चर में हमने क्या बातें की? बेसिकली टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्स्टेंट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हमने की, हाउ डिड वी बेसिकली फाउंड द डेरिवेटिव ऑफ द कॉन्स्टेंट फंक्शन. फिर हमने पावर रूल डिफाइन किया, उसके बाद कोशेंट्स, प्रोडक्ट्स, सम्स की बात की, फंक्शंस की, और उनके डेरिवेटिव्स मालूम करने के तरीके देखे. तो वही बात है कि ये सारे हमने थ्योरम्स तो किए. यू मस्ट बी फीलिंग कि भाई इस लेक्चर में तो थ्योरम ही थ्योरम आते गए. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आते गए. लेकिन वही बात याद रखें जो हमारे टीचर कहते थे कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है. आपने आज देख लिए थ्योरम, आज के बाद आपको फिर देखने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी पुराने थ्योरम्स हैं, दे आर करेक्ट. तो लेकिन ये है कि इनके जो फार्मूले थे वो हम याद कर लें. वी लर्न देम बाय हार्ट and use them again and again whenever we see them fit to use. तो ये आज की lecture हो गया. Next time फिर बातें करेंगे और derivative के बारे में और उसकी techniques की. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. I'll see you next time. Thank you. खुदा हाफिज़.